तो भाई लोग आज हम लोग बात करेंगे लॉक इन की सीजन 3 की। तो देखो आप और मैंने एक लंबा सफर तय किया, यानी कि सीजन 1 के साथ एज अ व्यूअर सीजन 1 बहुत अच्छा था, सीजन 2 भी मुझे बहुत अच्छा लगा, लेकिन सीजन 3 जो कि इसका फाइनल सीजन है तो ये कैसा है वो मैं आपको वीडियो में बताऊंगा। तो वीडियो पूरा देखना, वीडियो अच्छा लगा तो लाइक करो, सब्सक्राइब करो, कमेंट भी किया करो ताकि आप लोगों का ओपिनियन भी तो मुझे पता चले। सीजन 3 में हमें टोटल 8 एपिसोड देखने को मिलते हैं, जिसके हर एक एपिसोड ऑलमोस्ट 40 मिनट से लेके 48 मिनट के बीच में, और ये आपको हिंदी और इंग्लिश दोनों ही लैंग्वेज में देखने को मिल जाता है। खैर सीजन 3 की कहानी एग्जैक्ट सीजन 2 के बाद से स्टार्ट होती है, लेकिन कुछ महीनों बाद से, जहां पर लॉक फैमिली यानी कि नीना, बॉडी और किंजी तीनों अपनी लाइफ को किसी तरह से नॉर्मल रखने की कोशिश कर रहे हैं, वही दूसरी तरफ टाइलर की याददाश्त पूरी तरह से जा चुकी है। लेकिन अब कहानी में ट्विस्ट आता है जब एक ब्रिटिश सोल्जर अपने एकोस के साथ मैजिकल कीस ढूंढने निकलता है। अब मैजिकल कीस वो सोल्जर क्यों ढूंढ रहा है, इसके पीछे की वजह क्या है, फिर कहानी में क्या कुछ होता है, ये सब कुछ जानने के लिए आपको देखनी पड़ेगी लॉक एंड की सीजन 3। देखो यार मैं एक चीज बोलूंगा, आई वॉज वेरी 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 डिसअपॉइंटेड बिकॉज ऑफ द स्टोरी लाइन, बिकॉज ऑफ द कैरेक्टर्स डमनेस। मतलब ये एक ऐसा सिली सीजन 3 बनकर रह गया, जो सीजन 1 और सीजन 2 की जो एक हाइप थी, जो एक एक्सपेक्टेशन थी कि यार इसमें हम लोग बहुत सारी चीजें और एक्सप्लोर कर सकते हैं, वो पूरी की पूरी सत्यानाश हो गई। लिटरली कुछ भी नहीं है, ना कहानी में दम है ना कुछ है, कभी माँ गलती करती है, कभी बेटा गलती करता है, और इतनी डम मिस्टेक करते हैं कि हम लोग एक्सपेक्ट नहीं करते कि ये वही कैरेक्टर है जिन्होंने सीजन 1 और सीजन 2 में इतनी बड़ी बड़ी चीजें अपनी आंखों से विटनेस की, तो अब जाके ये लोग सीजन 3 में इतनी डम मिस्टेक कैसे कर सकते हैं, समझ में नहीं आ रहा था मुझे। और लिटरली ना ही कोई कैरेक्टर डेवलपमेंट देखने को मिला, ना कोई कैरेक्टर को ऐसी जगह पे खत्म किया जहाँ पे हमको फुली सेटिस्फेक्शन मिले कि यार हम इनको 3 सीजन से देख रहे तो चलो फाइनली इस कैरेक्टर को अपना वर्थ मिला है। जो एक इमोशनल एंगल डालने की कोशिश की है वो भी एज अ व्यूअर हमको फील होता नहीं है, लेकिन 8 एपिसोड में थोड़ा बहुत हमको इमोशनल फील होता है बिकॉज ऑफ के यार अब हम लॉक फैमिली को दोबारा से नहीं देख पाएंगे, बस यही सोच के। लेकिन ऐसा भी नहीं कि शो पूरी तरह से खराब है, कुछ ऐसी चीजें हैं जो शो की बहुत अच्छी है, जैसे कि इसकी प्रोडक्शन वैल्यू, की हाउस है उसका इंटीरियर मुझे बहुत ही ज्यादा गजब का लगा, और अलग अलग कीज देखकर, उनकी अलग अलग मैजिक देखकर बहुत मजा आया। और सीजन 3 में भी कुछ नई कीज इंट्रोड्यूस हुई, जैसे कि स्नो वाली और टाइम शिफ्ट की। टाइम शिफ्ट की के लिए तो मैं एक ही चीज बोलूंगा कि उसको देखकर मुझे हैरी पॉटर वाला वो जो हरमाइनी ग्रिंजर करती थी ना अपनी लॉकेट के साथ, बस वैसे कुछ मुझे याद आ गया, लेकिन उतना सिमिलर नहीं है, यहाँ पर कुछ अलग चीज है, लेकिन वो अच्छा लगा मुझे। लेकिन टाइम शिफ्ट की अपनी एक लिमिटेशन है, तो कुछ अलग करने की वो लोग ने यहाँ पर कोशिश की, जो कि मतलब रिलीफ देता है। शो के विलन की बात करो तो लिटरली वर्स्ट विलन बोलूंगा मैं 2022 में, अगर कोई एक ऐसी वेब सीरीज जिसको हम लोग इतने पहले से देख रहे हैं तो उसका वर्स्ट विलन हमें इस पर्टिकुलर शो में देखने को मिला। 4 एपिसोड तक तो विलन सिर्फ यहाँ वहाँ घूम रहा है, बस कपड़े चेंज कर रहा है, मुंह ऐसा ऐसा कर रहा है, कुछ भी नहीं किया। 5वें एपिसोड से वो विलन कुछ करने की कोशिश कर रहा था, लेकिन वो इम्पैक्ट ऑडियंस पे डाल ही नहीं रहा कि भाई वो विलन है। वो विलन का मुझे कॉन्फिडेंस ज्यादा लग रहा था, मैं क्या बोलूँ यार, आई वॉज वेरी वेरी डिसअपॉइंटेड। मतलब मेरे पास आज वर्ड्स नहीं शो को कितना बुरा बोलूँ। शो का डायरेक्शन अच्छा है, बट यहाँ पर उन लोग ने व्यूवर्स को ग्रांटेड ले लिया, मतलब उन लोग ने चीज़ें उतनी पैशनेटली नहीं बताई जितना उन लोग ने सीजन 1 में बताया था, सीजन 2 में बताया था। यहाँ पर मतलब काफ़ी शो को मतलब ऐसा ढीलेपन में छोड़ दिया, मतलब शायद उनको ऐसा लग रहा था कि यार नेटफ्लिक्स वाले शो को आगे नहीं बढ़ा रहे, तो वो लोगों ने सीजन 3 में इंटरेस्ट ही नहीं दिखाया, जबकि अगर वो लोग चाहे तो ये एक ऐसा फ्रेंचाइज है जिसको वो लोग 4, 5, 6, 7 मतलब अच्छा खासा खींच सकते हैं, बहुत सारी चीज़ें हमें बता सकते हैं, लेकिन पता नहीं क्यों नेटफ्लिक्स ने इसको कैंसिल किया। लेकिन होप करो, क्योंकि जहाँ पर सीजन 3 खत्म होता है वहाँ पर वो विस्परिंग की आवाज़ आती है, तो शायद ऐसा हो सकता है कि सीजन 4 आ जाए, या तो फिर इस पर कोई एक स्पिन ऑफ मूवी बन जाए। एक्टर्स के परफॉर्मेंस की बात करो तो हर एक एक्टर ने अपने हिस्से के रोल को अच्छी तरह से किया। जिसने इसको लिखा है ना, अननेसेसरी की चीज़ें बहुत डाला है सीजन 3 में, जो कि इसको 8 एपिसोड तक खींचा है, वरना अगर इसको अच्छी ईमानदारी से लिखते ना तो ये 5 एपिसोड का शो होता, बस उससे होता ही नहीं, कुछ है ही नहीं, नॉनसेंस। तो भाई मैं इस सीजन 3 को रेटिंग दूंगा 5.5 out of 10, डेफिनेटली इट्स मतलब बिलो एवरेज फॉर मी। एंड अगर आपको देखना तो देखो, और आपसे फेवरेट की कौन सी है वो मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताना, और सीजन 3 आपको कैसा लगा। पेरेंटल गाइडेंस में इतना बोलूंगा, बस वो किसिंग सीन है, ऐसा कुछ नहीं है। तो बस मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, टिल देन